आम जन विकास सेवा समिति ने एनटीपीसी झाड़ली के पास झुग्गियों व झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। प्रधान शर्मा प्रदीप ने बताया कि इस अवसर पर इन जरूरतमंद व गरीब लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या सुनी और कहा कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो हमें बताएं, हम हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और बताया कि देश में यदि जाति धर्म से ऊपर उठकर देखा जाए तो भारत देश में बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। इनकी मदद के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। इस मौके पर कैशियर सन्नी कुमार ने अपने शब्दों में कहा कि आज एक जरूरतमंद की सहायता के लिए एक जरूरतमंद को ही आगे आना होगा और बताया कि हमारी संस्था समस्त हरियाणा प्रदेश में समाज कल्याण के कार्य करती है। हमारा साथ दें और समाज कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रदीप शर्मा ने बताया कि हमारे भारत की अलग सोच के चलते आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमें समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। प्रधान ने बताया कि न खुद हारेंगे न दूसरे को हारने देंगे, ऐसी विचारधारा के प्रदीप शर्मा को आम जन विकास सेवा समिति संस्था दिल की गहराइयों से सम्मान करती है। इस मौके पर समिति प्रधान प्रदीप शर्मा, उप प्रधान परमवीर कुमार, सचिव उमेश, उप सचिव श्री शिव नारायण पुनिया, कैशियर सन्नी कुमार, अंकित कुमार, सुरेंद्र, दीपक इत्यादि अन्य सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आम जन विकास सेवा समिति प्रधान। आज हमने हमारी संस्था की तरफ से एनटीपीसी जाडली के पास उसकी झोपड़ी में रहने वाले गरीब जरूरतमंदों को खाना खिलाया ताकि उन्हें समिति की तरफ से थोड़ी मदद मिल सके और हम आने वाले समय में हमारी आम जन विकास सेवा समिति की तरफ से जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को खाना खिलाएंगे क्योंकि हमारे देश में बहुत ही गरीबी है। हम चाहते हैं कि हमसे जहां तक भी जाकर खाना खिलाया जाए झुग्गी झोपड़ियों में, हम वहां तक जाकर खाना खिलाएंगे और हमारा साथ दें। आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी संस्था का सहयोग दें, हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।